अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम हो गया आपके अपने चैनल आतिफ स्पोर्ट्स में। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के मुकाबले का एक बड़ा मसला सामने आया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शायकीन और दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है ये नो बॉल नहीं थी, पाकिस्तान और भारत का मैच दोबारा होना चाहिए। आईसीसी के चेयरमैन का भी बड़ा फैसला इस हवाले से सामने आया है और अंपायर्स क्या कहते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर भी दबा दें ताकि क्रिकेट की हर ताज़ा तरीन अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, वर्ल्ड कप क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट होता है और पूरी दुनिया की तमाम टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक पता चला है कि जो पाकिस्तान के मैच पर अंपायर्स थे वो मैच से पहले होटल में इंडियन खिलाड़ियों से मुलाकातें करते रहे हैं। आईसीसी ने मज़ीद अंपायर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आईसीसी का कहना है कि अगर हमें महसूस होता है कि अंपायर्स इंडियन टीम के साथ मिले हुए थे तो हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच का नए सिरे से ऐलान करेंगे और दोबारा मेलबोर्न के ग्राउंड में पाक भारत का मैच खेला जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ बताता चलूं, अंपायर्स पर भारी जुर्माना और 6 दिन की पाबंदी लगा दी गई है। अब 6 दिन अंपायर्स की आईसीसी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद ही आईसीसी अपना फाइनल फैसला सुनाएगी।